हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है ट्रीटमेंट फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। बेसिकली ट्रीटमेंट फोर्स, और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है किसी फोर्स की, ठीक है, दोनों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक मेन पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट की फोर्स क्या है और हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रीटमेंट फोर्स आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, कितनी जेंटल है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी आपने क्लोजली अप्लाई करनी है, कितनी आपने जॉइंट को अपोज करने के लिए, अपोजिंग जॉइंट की सर्फेसिस को कैसे आपने हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर्स बेसिकली उन्होंने बताई हुई है बात कि हमारे पास आइदर अ जेंटल और अ स्ट्रांग, ठीक है। उन्होंने बात की है कि या तो हमारे पास ट्रीटमेंट फोर्स जो होती है वो जेंटली आप देंगे, ठीक है, या आप स्ट्रांग दे रहे हैं, ठीक है। और अप्लाई उन्होंने क्या कहा, जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल क्लोजली उस सरफेस के जो हमारे पास अपोज करी है उसी जॉइंट को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछली बार वीडियो में भी यही बात की थी कि हमारे पास अगर दो जॉइंट की सरफेसेस हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास हम ये कहते हैं कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, अब हमारे पास मूविंग सरफेस मोस्टली शोल्डर जॉइंट पे जो होती है वो होती है कनकेव सरफेस, ठीक है। और वो कनकेव सरफेस हमारे पास, हमें पता है कि क्या है, ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है। सो अगर हम यही बात करें कि हमारे पास जो ग्लेनॉइड कैविटी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करिए कि ट्रीटमेंट वो यही है कि मूविंग फोर्स है, तो अब जब जो हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी है उसके हम जितना हो सकता है ना उतना उसके करीब जाके या उतना ही हम इसके क्लोजली जो होते हैं अपनी ट्रीटमेंट की फोर्स देते हैं, ठीक है। द लार्जर द कॉन्टैक्ट सरफेस द मोर कम्फर्टेबल इज द पेशेंट विद द प्रोसीजर, ठीक है। जितनी अच्छी आप कॉन्टैक्ट फोर्स दोगे उतना ही पेशेंट कम्फर्टेबल होगा, ठीक है, अपने प्रोसीजर को लेके अपना उतना ही कम्फर्टेबल होगा पेशेंट अपने प्रोसीजर को लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग विद योर थंब, उन्होंने कहा कि अगर आप थंब को यूज़ करने के बजाय एक फ्लैट सरफेस, या आप कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो पाम की सरफेस यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल जहाँ पे कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रही थी वो पिसिफॉर्म वाला एरिया यूज़ हो रहा था, ठीक है। सो अगर आप उस एरिया को यूज़ करके फोर्स दें इंस्टेड ऑफ योर थंब, तो आपकी ट्रीटमेंट की जो डायरेक्शन या फोर्स है, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी सरफेस भी ज़्यादा हो रही है, पेशेंट इससे कम्फर्टेबल भी होगा। थंब क्या होगा कि हो सकते थंब के आप फोर्स ज़्यादा दे दो, या थंब का इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है, या थंब उसको डिफरेंट तरह से अनकम्फर्टेबल फील करा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आ रही है। ओके, अगली चीज़ जो उन्होंने बताई हुई है वो ये कि द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब जो उन्होंने बात की हुई है वो हमारे पास आ रही है डायरेक्शन की, ठीक है। हमने सबसे पहले जो बात की है वो हमारे पास आ गई है ट्रीटमेंट फोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने बात किया वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। उन्होंने कहा या तो हम पैरेलली देंगे या हम परपेंडिकुलर देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लेन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द कैप्टन वॉन एज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ लाइन रनिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मिडल ऑफ द कनकेव आर्टिकुलर सरफेस। द प्लेन इज इन द कनकेव पार्टनर, सो इट्स पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द पोजिशन ऑफ द कनकेव बोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, उन्होंने कहा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द ट्रीटमेंट प्लेन आप जो देते हैं आप फोर्स, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट प्लेन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लेन बेसिकली, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। अगर तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है, ये जो शोल्डर जॉइंट का एरिया है, ठीक है, ये या आप ये कह दो कि सिंपली ये कोई भी एरिया है जिसमें ये वाली बोन जो थी वो कन्वेक्स थी, ठीक है, ये वाली जो बोन थी वो कन्वेक्स थी और ये वाली जो बोन थी वो कनकेव है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ऐसा है, हम इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। अब हुआ ऐसा हमारे पास के जो हमारे पास कनकेव सरफेस थी ना, उसका जो मिडल पॉइंट है, ठीक है, उसका जो मेन पॉइंट है उसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होता है कन्वेक्स सरफेस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कन्वेक्स सरफेस है उसमें हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हमारे पास जो कनकेव सरफेस है ट्रीटमेंट प्लेन उधर होता है, ठीक है। या कनकेव सरफेस में मोस्टली मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट प्लेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो, कन्वेक्स सरफेस आया, कन्वेक्स सरफेस से एक लाइन सीधी जाती है डायरेक्ट स्ट्रेट टू द कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस में डायरेक्ट 90 डिग्री पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है,
जैसे आपने ये लाइन कंप्लीट की ना, मतलब आप यहाँ से जो कनकेव सरफेस के पहले क्या है, ठीक है, उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और वो हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर होती है और उसको कहते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। अब उन्होंने इसी चीज़ की बात की भी, आइधर तो ये ट्रीटमेंट प्लान के परपेंडिकुलर आप फोर्स दे रहे होते हैं, आइधर आप परपेंडिकुलर आप पैरेलल दे रहे होते हो। अगर तो हमारे पास सरफेसेस फॉर एग्जांपल इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमारे पास किस केस में हमने परपेंडिकुलर देनी है, किस केस में हमने पैरेलल देनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो होती हैं वो मोर डिटेल्ड है, ठीक है। अब उन्होंने ये बात बताई भी है कि हमने अगर डिस्ट्रैक्शन देनी है ना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन देनी है तो हमारे पास जो फोर्सेस आ रही हैं वो ये आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एरोज की मदद से देखें, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन दे रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में दो बोनी पार्ट्स अपार्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है कि ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लाइडिंग दोगे तो ये ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल जाएगी, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लेन की डायरेक्शन भी यही है और हमारी फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे पास ट्रीटमेंट प्लेन की डायरेक्शन तो यूं है पर डिस्ट्रैक्शन की डायरेक्शन यूं है, तो ये हमारे पास क्या दे रही है कि 90 डिग्री का डिफरेंस दे रही है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें इतने ज़्यादा डिटेल में उन्होंने लिखा नहीं हुआ, सिर्फ एक पिक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है, सो मैंने थोड़ी सी डिटेल यहाँ बताई, ठीक है। अब उन्होंने ये बता दिया, आप बता दिया आगे, हाँ ठीक है, आगे दी हुई उन्होंने कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक जो होती है वो अप्लाई होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो ग्लाइडिंग टेक्निक होती है वो हमारे पास होती है पैरेलल, ठीक है। ग्लाइडिंग टेक्निक जो अप्लाई होती है वो पैरेलल होगी और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स जो होंगी वो अप्लाई होंगी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास मेन उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया। द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाइडिंग इज इजिली डिटरमाइंड बाई यूजिंग द कन्वेक्स कनकेव रूल, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास ग्लाइडिंग तो हम सिंपली कन्वेक्स कनकेव रूल को डिस्क्राइब करके ले लेते हैं, ठीक है। इफ द सर्फेस ऑफ अ मूविंग बोनी पार्टनर इज कन्वेक्स, ठीक है, अगर हमारे पास बोनी मूविंग पार्टनर जो होता है वो कन्वेक्स सर्फेस है उसकी, तो जो ट्रीटमेंट की ग्लाइडिंग है शुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बोन स्विंग्स, ठीक है। जिस तरह से बोन स्विंग करेगी उस तरह ट्रीटमेंट की ग्लाइडिंग शुड भी ऑपोजिट होंगी उस डायरेक्शन के, जिस तरह बोन की स्विंगिंग है, ठीक है। कन्वेक्स अगर सरफेस कन्वेक्स है, बोनी पार्टनर कन्वेक्स है, और अगर सरफेस कनकेव है तो हमारे पास ग्लाइडिंग और सेम डायरेक्शन में होगा ट्रीटमेंट की प्लेन की, ठीक है। ओके द एंटायर बोन इज मूव्ड, सो अच्छा अब उन्होंने ये बताया अगर कन्वेक्स सरफेस है तो हमारे पास डायरेक्शन जो होगी बोन की वो या ग्लाइडिंग की वो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, और अगर कनकेव है तो हमारे पास डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्लाइड की डायरेक्शन सेम है, द एंटायर बोन इज मूव्ड, सो देयर इज अ ग्लाइडिंग ऑफ वन सरफेस ऑन द जॉइंट, ठीक है। ये उन्होंने बात की है कि एंटायर बोन मूव करती है, सो जो ग्लाइडिंग होती है वो वन जॉइंट सरफेस पे टू द अदर जाती है, ठीक है। द बोन शुड नॉट बी यूज एज अ लिवर, बोन लिवर के तौर पर यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। इट शुड हैज नो आर्किंग मोशन, इसमें स्विंगिंग मोशन नहीं आ रहा था, विच वुड कॉज रोलिंग एंड थस कंप्रेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब हम ग्लाइडिंग करवा रहे हैं ना तो इंटायर बोन मूव कर रही होती है, तो इसमें हमारे पास जो होती है आर्किंग स्विंगिंग या रोलिंग वगैरह नहीं हो रही होती, ठीक है। जिस और सॉरी स्विंगिंग नहीं हो रही होती जिसकी वजह से आप ये कह रहे हो आर्किंग स्विंगिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से रोलिंग वगैरह हो रही होती है और कंप्रेशन आ रहा होता है सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से है, कैसा है, ठीक है। ये उन्होंने बात बताई हुई है कि हमारे पास किस तरह से है और कैसी है, ठीक है। मेन पॉइंट है, उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि अगर स्विंगिंग नहीं हो रही तो रोलिंग या कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। सो ये हो गया था हमारा ट्रीटमेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट वाला फिर हम ट्रीटमेंट सॉरी इनिशिएशन प्रोग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।